अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्पोर्ट्स। आज बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और हमेशा से ही एक जंग का सा माहौल रहता है इस मुकाबले के दरमियान, पर आज हमारे साथ कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इसको गेम की तरह लेते हैं और चाहते हैं कि जो लोग जो टीम अच्छा खेले, जो प्लेयर अच्छा खेले, वो टीम विन करे। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी ये सोच कैसे चेंज हुई। तो भाईजान, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज का मैच कैसा होगा? क्या स्पीक इन इंग्लिश? उर्दू या उर्दू? अच्छी नहीं, इंग्लिश। हिंदी? ओके, मैं इंग्लिश है। हिंदी बोले? हिंदी भी थोड़ा। खैर खैर, कोई खैर, मुश्किल नहीं। ओके, या मेरे कतर से आया मैच देखने के लिए, एक्साइटेड टू वॉच दिस मैच एंड आई थिंक वी विल हैव अ गुड फाइट। इंडिया और पाकिस्तान कौन जीतेगा मुश्किल नहीं है, जस्ट गोइंग विद द स्पिरिट एंड एंजॉयिंग द मैच। कौन सा बॉलर, कौन सा बैट्समैन आज जो है कुछ अलग से करेगा? वो रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडियन साइड में, और शाहिन शाह अफरीदी डेंजरस बॉलर है, प्रॉब्लम विद दैट लेग बिफोर विकेट एक्चुअली, सो सी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। आप बताएं जी, आज कौन सा प्लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा कोई अच्छा कमाल करने वाला है? रिजवान और बाबर आजम। आज का मैच कैसा होगा? फंटास्टिक होगा। ये मैच तो सर हम दूर दूर से आए देखने, तो ये बहुत बेहतर होगा क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का सर मैच ये पूरी दुनिया में देखा जाता है, यहाँ पर ही पूरी दुनिया में, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। और रेन की प्रेडिक्शन हमें कोई वो नहीं कर रही, हमारे जज्बात जो है सर यहाँ पर है और मैच देखने हैं, मज़ा आएगा। मुझे ये बताएं, आप चारों दूसरी कंट्रीज़ में सेटल हो गए, इसकी वजह तो नहीं कि वो जंग वाला माहौल ख़त्म हो गया? या वैसे आप लोग समझ चुके हैं कि ये गेम है और ये जंग नहीं है? ये सिर्फ गेम को समझे सर, और कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद सर, पाकिस्तान जीतेगा, विन करेगा जी। आप गेम अलग लेवल का होता है जिसपे जो अच्छा खेलेगा उसको सपोर्टर्स हर जगह से सपोर्ट करता है, इंडिया हो पाकिस्तान हो, बट हमारे बीच जो भाईचारा वाला है जिसके वजह से ये गेम इतना इलेक्ट्रिफाइंग है और आज दुनिया में मशहूर है, राइट? तो इसलिए हम लोग का क्रेज़ सबसे ज़्यादा है, और जीतेगा तो वही जो अच्छा खेलेगा। भाई पाकिस्तान ही जीतेगा, जो मर्जी कर लो आप। इंडिया जीतेगा, जो मर्जी करे। यहाँ पे आके क्यों डिवाइड हो जाते हैं आप लोग? पाकिस्तान और इंडिया के जब जीतने की गेम तो गेम तो गेम तो किसी को करना है, मोहब्बत अच्छा है, वो पूरा स्पिरिट है, गेम है ना, गेम जारी बात है, वो भी सपोर्ट करेंगे हम। लेकिन सर वी ऑल नेशंस है, एग्जैक्टली, बट टीम को वो सपोर्ट करें, हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, तो ये बैटल नहीं है सर, ये दिलों की धड़कन है, यकीन माने ये गेम की तरह मजा आएगा। और क्या और बहुत बड़ी गेम होने वाली सर, ये इंटरनेशनल लेवल पे। आपको क्या लगता है कि आज पाकिस्तान की तरफ से कौन सा शोभा जो है वो भारी होगा? बॉलिंग अटैक होगा, शादाब स्पिनिंग बहुत ज़बरदस्त करेगा, और अगर नवाज़ को चांस मिला, मैं आपको बताऊँ, जो नवाज़ को वर्ल्ड कप में हुआ था सीन, वो आज रिवेंज करेगा, सीरियसली करेगा, चेक करना अगर उसको प्ले किया तो। अगर मौसम ने बीच में कुछ खलल डाला तो या कतर वाला सफर बेकार तो नहीं चला जाएगा? या आई थिंक इन दिस बैटल आई थिंक शाहिन शाह अफरीदी विद रोहित शर्मा, आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट बैटल एक्चुअली। थैंक यू सर, थैंक यू।